और घोड़ा तो जो है चलो किस्मत से मिलता है, पैसे लेके क्या है अभी, आज मेरे पास पैसा लेके भी फिरूंगा तो मुझे ये घोड़ा नहीं मिलेगा। घोड़े को एक्चुअल में एक कॉलिक हो गया था, मेजर कॉलिक में चले गया था, फिर वो उठ नहीं रहा था। फिर जब मेरी तबीयत देखे घर वालों ने उसके ऊपर की, तो वो लोग भी कुछ दुआएं करने लग गए, कुछ रोजों की नियत रखे कि घोड़ा ठीक हो। घोड़ा आने के वजह आने के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज आए मेरे पास। अच्छा बिल्कुल। अच्छा घोड़े से इतना है कि और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ना भी रही तो चलेगा। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूं लातूर। देखिए लातूर में आए बहुत कुछ मिला, एक से एक लोग मिले, लेकिन कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि बस इनसे बातें ही करते रहो। शेख मजहर भाई हैं, उनके घोड़े की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है औरों से। देखिए सभी घोड़े पालते हैं, सभी प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार कुछ अलग है। घोड़े को अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो घर में ऐसी दुआएं मांगी जाती हैं कि हम रोज़ा रखेंगे, हमारा घोड़ा सही हो जाए। तो ऐसे आदमी से आपको मिलवाएंगे जो सबसे अलग है और दीवाना है। तो चलिए मजहर भाई से आपको मिलवाएंगे और उनकी जो दास्ता है ना पूरी ज़िंदगी की वो जानेंगे। भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई, ठीक है, मस्त मजे में, मस्त बिल्कुल है, एकदम बढ़िया। हवा भी अच्छी चल रही है, बस एकदम। आपसे जब मेरी बात हुई जी, तो जी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये भाई कुछ ऐसा ही दीवाना सा है। बस तो पहले तो ये बताइए, घोड़े के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं स्टार्टिंग में। घोड़े का पहले नाम बताइए जी। कराइल। अच्छा ये कहाँ से आपको आइडिया आया? अभी ये तो क्या है, एक तुर्किश नेम है और सीरीज जो चालू है अपनी। अच्छा उस्मान, वो देख देख के ना। बराबर एकदम, तो वहाँ से इसका नाम आया। बिल्कुल बिल्कुल, कराइल है। कराइल। और जैसे बात करें लाइन की, अच्छा, जो एक नॉर्मल सी बात है कि लाइन की, बिल्कुल बिल्कुल, किस लाइन से है? अभी मैं तो यहाँ पर इसको अननोनी बोलता हूँ, बट जहाँ से ये घोड़ा आया था इंदौर से, तो वो लोग बोलते हैं कि ये नाग लाइन का घोड़ा है। नाग लाइन से, नाग लाइन का। यस। तो कितना टाइम हो गया आपको? अभी मेरे पास आके इसको 1.5 साल हो गया। और इस कीड़े को कितना टाइम हो गया? कीड़ा तो बहुत पुराना है भाई, अभी अभी तो निकल रहा है। तो जैसे बात करें कि लाइन का जैसे घोड़ा आप लेके, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप इस लाइन में तो नए थे। बिल्कुल सही। तो कैसा लगा कि भाई आपको कि लाइन का ही घोड़ा लेना चाहिए? नहीं, लाइन को मैं पहले तो प्रेफर नहीं किया, क्योंकि लाइन हो ना हो घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। घोड़ा घोड़ा ही है। तो ये आपको ऐसा लगा कि चलो घोड़े ही पालते हैं, तो लाइन का कुछ नहीं था बाद में आपको लगा? बाद में, अभी अभी जो है वो बोलते हैं ना कीड़ा जैसा बाहर आता है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे हाइट की बात करें कि हाइट अभी इसकी क्या है? हाइट तो अभी मैं कोई नापा नहीं हूँ। अच्छा, बट सामने वाला बोलता है 61। जो मारवाड़ी की एक्चुअल हाइट की जो होती है, मार्किंग की बात करें तो एक पैर वाइड है इसका। अच्छा आपने मुझे जैसे दो चार चीजें बड़ी अलग बताई कि भाई जैसे घोड़े वालों में कम सुनने को मिलता है, दयालु होते हैं अपने भाई, लेकिन इतने दयालु भी नहीं होते। मीटिंग वीटिंग करवाई है आपने? हाँ करवाई है, बहुत सारी मीटिंग हो गई है। और उसका क्या सीन है मीटिंग का? आपने बताया कि बताइए आपके मुँह से के। इसका मीटिंग का ऐसा है भाई कि कवरिंग की जो फीस होती है वो मेरे पास फ्री स्टार्ट सर्विस में है। अच्छा बिल्कुल। अभी कितनी घोड़ियों पे? अभी तो मैं मैक्सिमम बोलूंगा आपको, अभी यहाँ पर 10-12 घोड़ियाँ तो सिटी के हो गई है। हो गई है, हो गई है। और रिजल्ट वगैरह भी आ गया? रिजल्ट भी आ गया, एक तो लातूर में ही है रिजल्ट जो फिली आई है। तो जैसे आपको क्यों लगा कि आपको ये घोड़ा लेना चाहिए?
जब आपने देखा तो आपको ऐसा क्या लग गया इसमें? ना ना, मैं जब घोड़ा, मेरा एक थिंक थी कि मेरे को घोड़ा चाहिए। हाँ, हाँ। फिर अभी मार्केट जाऊंगा तो मार्केट का टाइम नहीं था। हाँ। फिर कोई वेटिंग कहाँ वेट करते रुके, तो यहीं पर सिटी में ही प्रॉपर एक घोड़ा था। हाँ। जो अच्छा था। हाँ। तो मैं 2-3 मरतबा देखा था उसको पहले भी। हुँ। तो बस लेना था तो ले लिया उसी को। जब इस लाइन में आए, अच्छा आपने घोड़ा लाइन में जब एंट्री करी, सभी लोग करते हैं, सभी का शौक होता है, आपको ये शौक कहाँ से उड़ता हुआ चिपका है, ये थोड़ा सा बताइए। ना ना, लगा ये कैसे? ये तो बहुत पुराना शौक है। अच्छा। और जब मेरे पास घोड़ा नहीं था तो मैं काफी जगह पे जाके, घोड़ा नहीं था, कीड़ा था, कीड़ा था सिर्फ। कीड़ा रह के फायदा नहीं था, वो निकल भी नहीं रहा था। तो घोड़े का शौक तो था पहले से। फिर किसी दोस्त के पास चले, वहाँ कुछ सवारी वगारी करे, तो तब से ही थोड़ा और ज्यादा शौक लग गया। तो शौक जब लगा तो अब कैसा फील करते हो जब, जैसे शौक की बात आती है जी जी जी, तो कैसा फील करते हो जब घोड़े के साथ जैसे रहते हो? अच्छा। जैसे मैंने देखा आपका और घोड़े का रिश्ता भी बहुत अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ऐसा लगता है जैसे दोस्त वोस्त है। तो कैसा कैसा अंदर का एक फील थोड़ा सा बताइए, फील कैसा है? फील ऐसा है भाई, अभी मैं कहीं पर भी रहूं तो 24 आवर में से मैं कभी ना कभी इसको ऑनलाइन देखता ही रहता हूँ। अच्छा। इसके मूवमेंट, हर मूवमेंट पे ध्यान है मेरा। हाँ। फिर कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ तो आते ही पहले इधर आता हूँ मैं। पहले इधर आना है घोड़े के पास। अच्छा। फिर घर देखना है। तो घर वालों को, जैसे घर वालों को भी अब शौक अभी अभी लग गया, उनको भी लग गया? बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है कि बस शौक अब बिल्कुल आप इस लाइन में आ चुके हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा हो कि हम भाई शो वो में भी लेके जाएं? नहीं नहीं नहीं। तो जैसे अब आपने शो की तैयारी नहीं करी, फार्म बनाने की तैयारी है, बिल्कुल घर वालों को शौक लग गया है, तो आगे आप क्या चाहते हैं कि घोड़ा रख के आप क्या कैसे शौक करेंगे कि लाइन में, ब्रीडिंग की लाइन में आके व्यापार की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या सोचा है? ना, व्यापार तो मुझे नहीं करना है। अच्छा। सिर्फ शौक पालूंगा। हाँ। और जो है ब्रीडिंग का ऐसा है। हाँ। कि चाहे कोई भी घोड़ा आए मेरे पास, मेरे पास फ्री स्टेट सर्विस मिलेगा। ये क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, फ्री में? सही में? जी बिल्कुल। सही में? फ्री? सही में। फ्री सर्विस? फ्री सर्विस। तो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान है जो कमी होते हैं और जो भी घोड़ा लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे रहने दो, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी यहाँ पर, लाइन लग जाएगी। तो जैसे मैंने बात करी, जैसे आपने बताया कि भाई घर पे भी शौक है, सभी को शौक लग चुका है, तो घर वालों का क्या कहना रहता है कि भाई शौक कर रहे हो? घर वालों का कैसा लगाव इस घोड़े से आप? जितना मेरा लगाव है। हाँ। उसी तरह घर वालों का भी लगाव। जैसे आप बता रहे थे एक बार तबीयत खराब हो गई थी, वो थोड़ा सा किस्सा शेयर करिए। हाँ, वो थोड़ा सा शेयर करिए। घोड़े को एक्चुअल में कॉलिक हो गया था। हाँ। मेजर कॉलिक में चले गया था वो। फिर वो उठ नहीं रहा था। फिर जब मेरी तबीयत देखे घर वालों ने उसके ऊपर की, तो वो लोग भी कुछ दुआएं करने लग गए, कुछ रोजों की नियत रखे। क्या बात, कि घोड़ा ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया। तो रोजा रखा गया घोड़े के लिए। तो वही है कि जानवर से जो लगाव होता है कि बस। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आए जब से घोड़ा रखा? क्या कुछ बदला? बहुत कुछ बदला। क्या बदला बता दो। एक तो ये है कि जो मेरे टाइम स्पेंड करने का था वो पूरा टाइम मैं इधर शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा। घोड़े के साथ। हाँ, हाँ। और इस घोड़ा आने के वजह, आने के बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ आए मेरे पास। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, घोड़े से इतना है कि और कुछ अच्छा और ही नहीं लगता है। ना भी रही तो चलेगा। रात में सोते वोते भी नहीं है मैंने सुना? हाँ, सोता हूँ ना भाई, पर घोड़े को मिले बगैर नहीं सोता। लाइफ में तो ये चेंज आ गया कि भाई नींद वींद उड़ गई। ठीक है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है घोड़े से जा रहे हो सवारी करते हुए और लोग कह रहे हो देखो यार KGF का हीरो जा रहा है? ऐसा कभी हुआ? बहुत बार हो गया। होता है तो। हाँ। पब्लिक रिएक्शन भी बहुत मिलता है। हाँ। जब भी राइड पे जाता हूँ मैं तो काफी लंबी भी राइड हुई है मेरी। अच्छा अच्छा। तो घोड़े से जैसे कनेक्शन एक जो होता है वो आप बया करना चाहते रहे, वो निकल क्यों नहीं रहा है? निकालो। जैसे आपने मुझे बताया वो सब बातें बता दो जो घोड़े से जो है सब कुछ बता डालो। बता डालो। अभी क्या है बॉन्डिंग के बारे में तो ऐसा है, आप भी देखे हो। हाँ। घोड़ा जो है हर टाइम जो है साथ ही साथ रह जाते हैं हम लोग। हाँ। मैं जब भी इधर आता हूँ फार्म पे। हाँ। तो वो तो ओपन ही रहता है। हाँ। जब भी आता हूँ। हाँ। तो हम लोग मस्ती करते हैं, खेलते हैं,
फिर बाहर कहीं लेके जाता हूँ तो साथ साथ ही लेके जाऊंगा उसको। गाड़ी के साथ साथ भी चलेगा? गाड़ी के साथ साथ भी चलेगा वो। गाड़ी के साथ साथ भी चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये शौक कर रहे हो, ठीक है। जो नए लोग इस शौक में आना चाहते हैं और करना चाहते हैं, नए लोग ये कहते हैं भाई घोड़ा वड़ा क्या, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई घोड़ा पालना चाहिए? क्यों पालना चाहिए घोड़ा? तो देखो ऐसा है कि आपको एक बार शौक लग गया तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको किसी और शौक के तरफ जाने के लिए। फिर राइडिंग का जो मजा है उसके ऊपर बैठ के एक बार बैठ गए फिर तो निकलता नहीं, फिर कोई उतरने को राजी नहीं रहेगा। और बाकी तो जो है देखो, घोड़ा इस्लाम में जो है अपने पास सुन्नत है, एक नबियों की सुन्नत है अपने घोड़ा पालना, घोड़ा रखना। फिर बाकी अलग अलग पर्पज हैं, आज जैसा कि घोड़ा रखे तो उसके बिजनेस हैं, कुछ लोग रखते हैं बिजनेस पर्पज से, कुछ शौक से, कुछ ब्रीडिंग से। तो घोड़े में नुकसान तो कोई चीज़ नहीं है भाई। अभी तुम गाड़ी लोगे, गाड़ी का तुमको मेंटेनेंस वही रहेगा, गाड़ी के ऊपर का तुमको खर्चा लगेगा, घोड़े को क्या खर्चा है? बस थोड़ा सा में उसका भी गुजारा हो जाएगा, थोड़ा सा में गुजारा हो जाएगा। कभी लोग ये नहीं कहते कि क्या शौक कर रहे हो यार? ना ना, बहुत सारे लोग ने तो पहले पहले बोला भी था मुझे, पर जब घोड़े पे उनको जब घोड़े से मिलाया, मैं घोड़े के सामने लाया उनको, तो फिर वो मुझे सेंटेंस कभी सुनने नहीं मिला। उनके अंदर भी कीड़ा, बिल्कुल उनके अंदर भी कीड़ा जागा है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि चलो लेना है घोड़ा, और काफी लोगों ने लिया भी मेरे फ्रेंड सर्कल। अच्छा, देख के? बिल्कुल, क्योंकि ये शौक बड़ा जबरदस्त है। तो अब यही है आपका के भाई आगे की तैयारी है और स्टार्ट जो सर्विस रहेगी वो फ्री रहेगी एकदम। तो आगे और किस तरह की घोड़ी लेके आएंगे? अभी स्टैलियन ही लूंगा मैं नेक्स्ट, भी जब भी लूंगा तो लाइन वगैरह अभी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब घोड़े के लाइन में आ गए, जब तो क्या है ये लिया था जब कुछ आइडिया नहीं था, पर बोलते हैं ना वो लाइन में आ जाओ लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। जब जैसे आप बात करें आपके घोड़े की, मैंने देखा कि आप उसको छोड़ भी देते हो, गाड़ी के साथ भी जाता है, ये कैसे ट्रेनिंग दे दी? ये तो क्या है आतिफ भाई, वक्त लगना भी जरूरी है और एक मोहब्बत खुलूस होना उसमें, तो वही उसमें ही हो जाएगा। तो और भी जानवर हैं, सबका शौक, बिल्कुल सब है शौक है, बिल्कुल शौक। तो जैसे मेले वेले में कभी गए? हाँ गया हूँ। तो कैसा क्या वहाँ का कैसा रहा? वहाँ ज्ञानी बहुत होते हैं? एक से बहुत सारे ज्ञानी मिले भी और कराइल भी साथ था मेरे साथ। अभी यहाँ पर जो मालेगांव का मेला लगता है, मालेगांव में हम गए थे हम लोग कराइल को लेकर, तो वहाँ पर पब्लिक रिएक्शन भी मुझे अच्छा मिला। तो नींद आई थी रात में? ना ना, नहीं आई। जब घोड़े देखते हैं तो कहाँ नींद आती है। नहीं, जैसे घोड़े को आपके किसी ने देखा और कहना यार क्या भाई साहब ये, क्या यहाँ पर क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है ना एकदम से, कि चलो आदमी भी फूक जाता है थोड़ा बहुत। आदमी भी फूक जाता है। लातूर में शौक है लेकिन बहुत ज्यादा उस लेवल का नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन आप एक युवा हैं और इस शौक को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह का प्यार और जैसा देखा मैंने इसको, देख के और लोग भी ये वीडियो देखेंगे और पालने का सोचेंगे जैसा आपने सोचा है, तो अब मारवाड़ी की तरफ जाएंगे? कौन सा क्या लाएंगे अब? मारवाड़ी ही लाऊंगा मैं तो। बहुत यार आज आप मुझे ऐसा लग रहा है डरे डरे। ना 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 ना। अच्छा, जैसे घोड़े को खाने में क्या पसंद है? घोड़े को तो मैं फीड वगैरह देता हूँ। बिरयानी? बिरयानी बिरयानी तो नहीं दिया उसको अभी तक, तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारे पिया है उसने। कोल्ड ड्रिंक पीता है? बिल्कुल। कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीता है? स्प्राइट वगैरह। कोल्ड ड्रिंक पीने वाला घोड़ा ऐसा? स्प्राइट पीता है? बिल्कुल बिल्कुल। वाकई? बिल्कुल। तो साथ में निकल जाएगा करो घूमने। वही है ये जो शौक है ना यार, बिल्कुल ये अलग ही शौक है। और मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, दीवाने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीवाने होते हैं। तो अब ये दीवानगी कहाँ तक जाएगी ये तो देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इसको लेकर, इस घोड़े को लेकर? इस घोड़े को तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैं। शो में शो, शो, शो का तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है शो। नहीं लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कभी कोई ऑफर आया? जैसे ऑफर 2-3 बार आया भी था मुझे, पर मैं तो मूड में ही नहीं हूँ देने के। जब ये मिला तो कैसे मिला, उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए। जब जहाँ से लिया कि कैसे मिल गया ये बताइए। ये हम लोग ऐसे ही देखते फिर रहे थे घोड़े लातूर में। मेरा अभी तो था कि यहाँ मार्केट नहीं है, मेला नहीं है अभी लगा हुआ,
तो कुछ जगह गया भी मैं घोड़े देखने, फिर वहाँ के उतने कुछ मुझे पसंद नहीं आए थे, किसी की मार्किंग का इशू था किसी कुछ। फिर एक यहीं पर एक बंदा है, उसी ने लेके गया मुझे कि ये घोड़ा देखो एक बार। फिर घोड़ा जब मैं देखा तो जो मुझे चाहिए था ब्लैक कलर का, और जब मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था, एक तो दीवानगी थी उस्मान सीरीज की, उसमें ब्लैक घोड़ा है तो ब्लैक ही चाहिए बस भाई बोला। तो ब्लैक दिखने से मैं डन कर दिया है कि इसमें तो, और आप बता रहे थे कि बस ऐसे ही कह दिया गया, जाओ लोड कर दो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मांगते हैं घोड़ा? अब तो नहीं मांगते, अभी तो नहीं, अभी एक दो बार बोले थे उन्होंने कि है इरादा तो बोल, अब नहीं मिलेगा भाई, अब नहीं मिलेगा, अब तो ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वही है कि शौक चलता रहना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा कि शौक बढ़ेगा तो और खराब शौक इससे दूर भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप घोड़ा जब खरीदने गए तो रेट भी हाई फाई होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगा कि भाई जैसे आप कि भाई इतने का मिल रहा है वहाँ, इतने का मिल रहा है, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मैं इंक्वायरी नहीं किया था ना। अच्छा, डायरेक्ट वो जितना बोल दिया था उसी में हम लोग डन करके निकल गए। तो ऐसा क्यों? नहीं, घोड़े पे दिल ही आया था वैसा। अच्छा। और घोड़ा तो जो है चलो किस्मत से मिलता है, पैसे लेके क्या है, अभी आज मेरे पास पैसा लेके भी फिरूंगा तो मुझे ये घोड़ा नहीं मिलेगा। ये बात होती है। ये बात तो यार आपकी सही है, घोड़ा तो पैसे लेके जाओ नहीं मिलता, नहीं मिलता, किस्मत ही मिलती है, और घोड़े से किस्मत बदलती भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं बदली है, बता नहीं रहे। तो जैसे अगर इसकी एज की बात करें तो घोड़े की क्या एज क्या हो गई अभी? घोड़े की तकरीबन 8 से 9 साल की एज है। 8-9 साल की। आपके पास तकरीबन कितना? 1.5 साल से। 1.5 साल। आपने अच्छा ये तो बताया कि किस तरह से क्या मिला घोड़ा, आप जहाँ से लाए थे उन्होंने आपको ये बताया था कि लाइन का कुछ, देखिए वो घोड़ा तो इसका जो लाइन आप बता रहे हैं वो घोड़ा तो रहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिससे आपने लिया था उन्होंने आपको बताया था कि ये लाइन का है, कैसे क्या था वो? ये उन्होंने भी नहीं बताया था मुझे लाइन का, जो हमारे पास लातूर में जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हीं के पास था ये घोड़ा, चिकटे सर के पास, तो उनसे मैं लिया था, तो तब लाइन का भी नहीं बताया था उन्होंने। बट जब इसके फोटोज हम लोग इंस्टा पे वगैरह अपलोड किए थे तो जो इसके फर्स्ट ओनर जो थे उन्होंने कॉन्टेक्ट किए मुझसे, उन्होंने फिर इसके जो छोटे घोड़े बचपन के फोटोज वगैरह सब सेंड किए मुझे। तो उस पे से उन्होंने बताया कि ये घोड़ा जो है हमने गैरी भाई से लिया था, उन्हीं अच्छा, के पास गैरी गिल जो पंजाब जी, जी 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 अच्छा उन्हीं के पास बर्थ हुआ है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शायद से उन्होंने भी बताया था कि ये नाग घोड़े का है, नाग से बिलोंग रखता है ये। लेकिन आप इसको अनोनी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अनोनी कहता हूँ अभी भी। घोड़ा शौक करा रहा है बस बस बस। तो वही है, ये शौक बड़ा शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि एक क्या है 50 पालो। बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत ऐसी करो, आइसक्रीम भी खाता है बता रहे हो? जी जी जी, आइसक्रीम भी खाता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, सारी चीज़ें, इंसान ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मज़र भाई बड़ा अच्छा लगा आपका घोड़ा करायल को देख के। जी जी। और उस्मान देख देख के आपको ये शौक लग गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शौक ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा है जी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये और आगे बढ़े जी, और आपको तरक्की मिले, और घोड़ा आपका दुनिया में नाम करे, और आपका भी नाम दुनिया में। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया। आप एक ऐसी कहानी देख रहे थे जो कुछ अलग थी, नया शौक है, इस शौक की कहानी देखी, एक घोड़े का मालिक से प्यार देखा। ऐसी कुछ नई नई वीडियो आती रहेंगी। आप लातूर में ये वीडियो देख रहे हैं और अब कुछ नया लाएंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।